जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक्स है टेम्परेचर के बारे में। ये भी क्लास 7 का है। अक्सर बच्चों से पूछा जाता है टेम्परेचर किसे कहते हैं, तो बच्चे कहते हैं तापमान। और तापमान किसे कहते हैं, तो टेम्परेचर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता कि तापमान को हम लोग टेम्परेचर और टेम्परेचर को तापमान कहते हैं। तो हिंदी में कहा जाता है कि आपका जो टेम्परेचर मतलब तापमान होता है, लेकिन नहीं, ये ताप प्लस मान, यानी कि ताप को मापने वाला, यानी कि हीट को मेजर करने वाला। यानी कि मान के चलिए कोई बॉडी है, वह कितना कोल्ड है और कितना क्या है, हॉटनेस है। उसी हॉटनेस और कोल्डनेस को जो मेजर करने वाला यूनिट होता है, उसी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। ये आपको ऑलरेडी बुक में दे रखा है, हम आपको फिर से बता देते हैं कि पूछेगा व्हाट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का मतलब होता है कि द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कितना कोई बॉडी क्या है, हॉट है, और कोई बॉडी कितना है, कोल्ड है, ठीक है ना। ऑफ द एयर इज कहाँ, एयर का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। दूसरा आपको हम बता देते हैं एटमोस्फेरिक कंडीशन के बारे में, कि बहुत लोग जानता है कि जो टेम्परेचर होता है एटमोस्फेयर का, क्या एटमोस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, तो आपका दिन और रात में चेंज करता है, लेकिन नहीं, ये सीजन बाई सीजन क्या होता है, चेंज करता है। समर में आपका समर जो होता है हॉटर देन क्या होता है, विंटर होता है, मतलब विंटर का जो मौसम होता है ठंडा होता है। अभी मौसम किसका चल रहा है, ठंडा का चल रहा है, ठीक है ना। और कुछ दिन बाद क्या होगा, गर्मी का मौसम आएगा। तो सीजन बाय सीजन भी, यानी कि सीजन बदलने से आपका क्या होता है, मतलब कि ईयर यानी साल बदल जाने से क्या होता है, टेम्परेचर क्या हो जाती है, चेंज कर जाती है। और हम बात कर लें एक और इसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इंसुलेशंस के बारे में। किसके बारे में, इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होता है, इंसुलेशन इज द कमिंग सोलर एनर्जी इंटरप्टेड बाय द अर्थ। मतलब कि सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, यानी सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा को पृथ्वी कितना अपने आप में क्या करती है, कैप्चर कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, उसी एनर्जी को इंसुलेशन के नाम से जानते हैं। एक बार फिर बता देते, मान ली सन है, ठीक है ना, और सन से क्या हो रही है, एनर्जी आपकी आ रही है। तो जो सन से एनर्जी आती है और पृथ्वी उस कितने एनर्जी को अपने पास का कर लेता है, रख लेता है, इंट्रैप कर लेता है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेशन के नाम से जानते हैं। हमारे नेचर में खासकर एटमोसफियर को समझने के लिए और उसको आसान भाषा में समझने के लिए बहुत सारे टूल्स होती है। जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास थर्मोमीटर है, बैरोमीटर्स है, रेन गैस है और विंड्स है। क्योंकि आप जानते हैं टेम्परेचर भी किसका फिनोमिना है, एटमोसफियर का फिनोमिना है। आपका जो है प्रेशर भी क्या है, एटमोसफियर का फिनोमिना है। बरसात भी एटमोसफियर में ही होता है और विंड्स भी चलता है, वो भी क्या होता है, आपका जो एटमोसफियर का ही फिनोमिना है। मतलब कि हमारा जो है वायुमंडल का ही क्या है, इफेक्ट्स है। तो होता क्या है कि हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो जिस डिवाइस से हम लोग जो है टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। जैसे मतलब दूध नापने के लिए हम क्या करते हैं कि लीटर का यूज करते हैं, और आलू प्याज नापन अगर तोलना हो तो किलो का यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा एटमोसफियर का टेम्परेचर कितना है, उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर का यूज करते हैं। मान लें कि चलिए कभी गर्मी का, सॉरी अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, तो ठंडी में क्या होता है, प्रेशर हाई होती है। तो प्रेशर कितना हाई है, जैसे मान के चलिए झोला होता है, झोला में फिक्स होता है कि हाँ ये झोला 5 किलो का है, ये झोला आपका जो 10 केजी का है। ठीक वैसे ही एटमोसफियर में प्रेशर कितना है, उसको मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैरोमीटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरोमीटर्स। अब हम बात करते हैं कि होता क्या है कि बरसात भी होती है, क्या होती है, बरसात। तो कितना बारिश हुई, कितने गड्ढे भर गए, कितने पोखरे, कितने तालाब भर गए, ठीक है ना, उसको अगर मेजर करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेन गैस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। कभी कभी लगता है क्या कि हवा किधर चलती है, कभी लगता है लेफ्ट चलती है, कभी लगता है राइट चलती है, कभी लगता है कि पूरब से बहती है, कभी लगता है कि पश्चिम से बहती है, लेकिन पता नहीं चलता कि हवा की दिशा क्या है, यानी कि विंड के डायरेक्शंस क्या है। तो विंड के डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए या मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, उस डिवाइस का क्या नाम है, विंड वेन। विंड वेन क्या करता है, विंड वेन ऐसा डिवाइस होता है जो हवा की यानी कि एयर की डायरेक्शन को बताने का काम करता है। देखिएगा ऊपर एक मुर्गा बैठा हुआ है, ठीक है ना, और इसमें एक एरो दिया है, यही एरो क्या करता है, आपका जो है विंड के डायरेक्शन को, हवा की दिशा को क्या करता है, बताने का काम करता है। ओके।